क्या आपको पता है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवि के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में आपको अच्छी जानकारी देंगे, या फिर कह सकते हैं कि कवि का लिंग बदलो के बारे में आपको अच्छी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का होता है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। वहीं पर वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि कवि एक तरह का पुल्लिंग शब्द होता है, यानी दोस्तों कवि पुल्लिंग शब्द होता है। और अगर कवि के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह कवित्री होगा, यानी कवित्री जो शब्द होता है वह कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि कवि एक पुल्लिंग शब्द होता है और इसका स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि ऐसा पुरुष व्यक्ति जो कि अपने विचार और अपने स्वयं मन के भाव और शब्दों को सर्जित कर दूसरों के सामने लिख कर या पढ़ कर अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ साझा करता है वह कवि कहलाता है। वहीं पर अगर इस तरह की कोई महिला होती है तो उसे कवित्री कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है, और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि कवि एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर कवित्री एक तरह का स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह बात विशेष रूप से याद रखनी है कि कवि एक पुल्लिंग शब्द होता है और इसका स्त्रीलिंग शब्द कवित्री होता है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको कवि का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।